फिलहाल मैं हूँ अभी अपने रूम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से चारों प्राणी सो रहे हैं। समय हो चुका है 4, लेकिन अभी अभी तक ये सारे के सारे तैयार नहीं हुए और सब के सब मुझे देख के अभी हंसे जा रहे हैं। ये देखो कुछ सोए हैं, कुछ आधे सोए हैं, कुछ अभी जगने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलने का समय हो गया है, चलना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश और इस समय मैं हूँ दीघा में और फिलहाल मैं अभी समय हूँ अपने रूम के अंदर। आप देख सकते हैं इधर भी और मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे शीशा, यहाँ पे ये रैक बना हुआ है, यहाँ पे आप कपड़े, यहाँ पे वॉशरूम है, ये पंखा है, ये बाबू है और ये धनजी है और पीछे ये देखो ज्योति है, बाल बना रही है शीशे में लेकिन उसको पता नहीं चल पा रहा। इधर ये ज्योति है हंसते हुए, हंसो। और मैं अपने बालकनी से अपना व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पीछे काफ़ी अच्छा है, लोग इस तरीके से जा रहे हैं। सो एक बात मैं बता दूं कि दीघा आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अभी फ़िलहाल हम हैं, बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम जा रहे हैं बीच पे और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा कैसा लगता है। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है। और चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे की चीज़ें। चले सर, रेडी हो गए? कोई रेडी नहीं हुआ अभी, सबसे पहले मैं ही रेडी हुआ हूँ। तो बाहर निकलता हूँ, फिर मैं बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, और फिलहाल मैं इस समय हूँ दीघा बीच पे और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके का है ये बीच। इसे देखिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है और मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस जगह पे आइए और यहाँ घूमिए, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, पैराशूट ग्लाइडिंग कर सकते हैं, और नदी के अंदर बोट मिलती है, इस सी के अंदर बोट है वो भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जैसे कि घोड़ा सामने आ रहा है, हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे नारियल पानी मैं तो कहूँगा ज़रूर पीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फेमस है, जैसे नारियल पानी है, झालमुरी है, यहाँ पे आपको आइसक्रीम मिलेगी और काफ़ी खूबसूरत जगह है। एक बार मैं आपको दोबारा नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, घूमते हैं। हम तो सुबह आए थे और सुबह हमने सी के अंदर, समुद्र के अंदर नहाए थे, बाथ लिया था, उसके बाद हम होटल गए, होटल में अपना रुके, फिर रेस्ट किया, फिर तैयार व्यार होके फिर दोबारा शाम के समय आए। और मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छी जगह, मैं आपको सी के पास लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ ये कैसा लगता है आपको, ठीक है। अब मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके का है ये। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से लहरें आ रही हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इस तरीके से आना और घूमना। अब दिखाता हूँ, एक मैं आपको सामने से शॉट दिखाता हूँ, और सामने देख सकते हैं किस तरीके से लोग नहा रहे हैं। क्या करना है? हार्ट बनाओगे? बनाओ, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट, ये पकड़ लो, एक सेकंड। बनाओ यहाँ पे, बनाती हूँ। नाम लिखो, अच्छी आई होगी, फिर से बना दे, अच्छी नहीं आई है। ठीक है, बनाओ। ओ नो शिट। इस दीघा के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि फिलहाल जो है वो मैं इस समय अभी न्यू दीघा पे हूँ, और अभी मेरे सामने जो है, मैं वहाँ पर है ओल्ड दीघा। तो फिलहाल मैं अभी वो न्यू दीघा के अंदर, और अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ के भी बीच के आपको दिखाऊंगा किस तरीके का है। और ये जो बीच है काफ़ी नया भी बना हुआ है, लेकिन वो है काफ़ी समय से चलता आ रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ब्यूटीफुल सनसेट होता नज़र आ रहा है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। आपको समुद्र की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं इधर, देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं मेरे साथ, और इनकी हंसी देखिए। और सारे कहाँ गए? सो आई हाईली रिकमेंड टू कम दिस प्लेस एंड एन्जॉय, बिकॉज आई थिंक दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और आप सभी लोगों को यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और काफ़ी अच्छी जगह है, आप पीछे देखिए समुद्र का नज़ारा, काफ़ी किस तरीके से लहरें उठती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, देखिए काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ, फ़ोटोशूट की तरफ, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी रश था, काफ़ी सारे लोग थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे काफ़ी खाली जगह है, देखो मैं दिखाता हूँ, काफ़ी खाली जगह है यहाँ पे, हम करेंगे फ़ोटोशूट थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आगे आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो।